हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 38 चेस का बेकनेक डिजाइन। तो देखिए, मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इससे हम यहाँ पे पाइपिंग वगैरह करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने लटकन लिए हैं जो हम बैक साइड में लगाएंगे, ये वाले लटकन। और देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो है मेन फैब्रिक है, और ये हमारा अस्तर है। अस्तर मैंने यहाँ पे 1 मीटर लिया है। इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो देखिए, इसे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़ा बराबर करने के लिए। यहाँ पे मैंने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड कैमरे की तरफ रखी है। नीचे की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और जो आप स्क्रीन पे मेजरमेंट देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो तैयार लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 14 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पे निशान लगाइएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम बोट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर लेंगे। बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच। 38 चेस्ट में बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच इस तरीके से। नीचे भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और आर्मोल भी हम लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, बोट नेक में हम जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्मोल्स लेते हैं। तो आर्मोल्स भी हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। थोड़ा आगे भी हम यहाँ पे देखिए 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, और इस तरीके से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट है हमारी 38 का फोर्थ पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच, मतलब कि 9.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। नीचे लेंगे हम वेस्ट है हमारी यहाँ पे 29 का फोर्थ पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 7.25, मतलब 7.25 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए ऐड करेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे जितना हमने चेस्ट में किया था। और इस तरीके से दोनों निशान को हम मिला लेंगे यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक ब्रिथ लेंगे। तो नेक ब्रिथ में यहाँ पे जो रख रही हूँ वो रख रही हूँ 4 इंच। 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। नेक की जो लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ वो रख रही हूँ यहाँ पे 4 इंच। नेक की लेंथ और ब्रिथ मैंने यहाँ पे दोनों 4 इंच रखी है इस तरीके से। और एक बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पे, और बोट नेक का शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पे आर्मोल्स की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से नेक ब्रिज से मिला लेंगे इसे। अब देखिए, ऊपर से हम शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे और आर्मोल्स मेजर करके लेंगे। तो शोल्डर का 1/2 इंच मार्जिन हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से मेजर करके लेंगे। तो आर्मोल्स की गोलाई है हमारी 16, उसका आधा आना चाहिए यहाँ पे 8 इंच हमारा आ रहा है। तो हमारा आर्मोल जो है एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सेंटर में पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न मुझे यहाँ पे ज्यादा चौड़ा नहीं बनाना है, फैला हुआ मुझे एकदम सिंपल थोड़ा कम चाहिए पैटर्न। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको अगर पैटर्न में ज्यादा फैलाव चाहिए तो आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब इसे हम कट कर लेंगे। हाफ इंच मार्जिन का रखते हुए हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है। ये जो हमारा है, ये हमारा फ्रंट में आएगा पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड हम बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे मैं खुली वाली साइड बैक पार्ट को कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें दोनों साइड खुली रखना है इसलिए। तो देखिए, इस तरीके से इसे रखते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चारों तरफ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए, हम एक बैक पार्ट का अस्तर लेंगे और एक मेन फैब्रिक लेंगे इस तरीके से, और दोनों को देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए रख लेंगे अच्छे से। और दोनों को अटैच करने के लिए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लूप्स लगाएंगे।
तो लूप्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर की सेम डोरी बना के रखी है, इससे हम लूप्स कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो लूप्स कट करने हैं वो कट करने हैं यहाँ पे 1.5 इंच तक। तो मैं यहाँ पे 1.5 से 1.75 इंच तक हमें लूप्स कट करने हैं। इस तरीके से हम सारे लूप्स कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए ऊपर से हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हम मार्जिन का छोड़ देंगे इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे लूप्स लगाएंगे, फिर 2 उंगली का गेप छोड़ेंगे, फिर एक और लूप्स लगाएंगे इस तरीके से। सारे में 2-2 उंगली का गेप छोड़ते हुए हमें इस तरीके से लूप्स का निशान लगा लेना है। नीचे से देखिए हम 1/2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, और यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से सारे निशान लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसे जो हमने लूप्स कट किए थे उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम इन्हें अटैच कर लेंगे। सारे लूप्स को हमें देखिए हमने जो निशान लगाया था वहाँ पर लेके जाना है सुई को, और इस तरीके से लूप्स को रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे लूप्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए मैंने जो गोल्डन कलर का कपड़ा लिया था वो लिया है। यहाँ पे हम उरेब पट्टी कट करके लेंगे, मतलब कि तिरछी पट्टी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 इंच तक की एक उरेब पट्टी कट करके ली है इस तरीके से। अब देखिए ऊपर से हम इसे सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने पैटर्न रेडी किया है उसके ऊपर देखिए हम इस तरीके से रखेंगे नेक पे इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे हम अटैच करेंगे। हल्के हाथों से खींचते हुए हमें देखिए इसे अटैच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और कोने में छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम देखिए इस तरीके से कट करके बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अंदर की तरफ पलटते हुए हल्के हाथों से देखिए हम पाइपिंग बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखिए एकदम बारीक और एकदम अच्छी पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन रही है। इस तरीके से हम पाइपिंग बना कर लेंगे यहाँ पे। इसका दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उसे भी हमें सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ ये जो पार्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए देखिए सेंटर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और टक्स लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच। और इस तरीके से निशान बनाने के बाद देखिए कपड़े को इस तरीके से पलटेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे नीचे की तरफ फिर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से उरेब पट्टी कट करके ली है, इसे अभी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे, और आगे से देखिए हम 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और अंदर से एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग बनानी है। इस तरीके से हम यहाँ पे पाइपिंग बना कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो हमारा जो गोल्डन वाला कपड़ा था उसी की मैंने यहाँ पे डोरी बना के ली है। अब देखिए यहाँ पे हम पिन इस तरीके से डालेंगे डोरी में, और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे सारे लूप्स में हम डोरी को इस तरीके से फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे डोरी को फंसाना है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फंसा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड हमने डोरी को फंसा लिया है, और अब हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। और जो हमारे नीचे जो
डोरी की मुंह है वहाँ पे देखिए हमने जो पहले लटकन लिए थे वो अटैच करेंगे। आप चाहो तो इसे सुई धागे से भी अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए नोट बनाकर इसे अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसे अटैच कर लेंगे नोट बनाकर। नोट बनाने से देखिए फ्रेंड्स हम धोने के टाइम इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।